नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं अरविंद सिंह। सिद्धार्थनगर जिले में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जिले के बांसी नगर पालिका अध्यक्ष पद के बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की। बीजेपी प्रत्याशी को सहयोगी प्रत्याशी बताया। उन्होंने बीजेपी का अपना संकल्प पत्र जनता को दिखाया और कहा कि अगर बीजेपी के लोग चुनाव में जीते तो हमारी सरकार नियमों में बनी तो हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, हम जमीन पर विकास करके दिखाएंगे। साथ ही कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी भाजपा कार्यकर्ता का मुकाबला नहीं कर पाएगी। विपक्षी भाजपा की जनसभाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता की सेवा हमारा उद्देश्य है, हम नगरों का विकास करेंगे। सारी समस्याएं हैं आपके माननीय सांसद, आपके माननीय मंत्री जी, आपके माननीय विधायकगण लगातार आपके जिले की जो सड़कों की समस्या उससे अवगत कराए हैं। मैं आपको यह आश्वस्त रूप से कहना चाहता हूँ कि जनपद की सड़कों को ही नहीं प्रदेश की सड़कों के बारे में हम बहुत गंभीर हैं और आने वाले समय में सड़कों का स्वर्ग अगर कोई प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश। ने बयान दिया मुख्यमंत्री को, दरिंदा बताया और ताजमहल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनके बयान पर प्रतिक्रिया दें हम, यही इसीलिए वो बयान देते हैं। पद्मावती पे जो है